डिजाइन में। सो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानने वाले हैं हाउ टू यूज व्यू क्रिएशन विजार्ड। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे एक पार्ट की पूरी असेंबली यहाँ पे अवेलेबल है। ये हमारा जो आर्म रेस्ट की असेंबली है, उसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम कहीं सारे व्यू हमारी सीट में ऐड करेंगे। तो वो किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड डम बॉडी अवेलेबल है और हमें इस पार्ट की जो असेंबली तैयार होती है उसको सेपरेट किस तरीके से सिर्फ DWG फाइल यानी कि ड्राफ्टिंग फाइल में सेव किया जाता है। यहाँ पे से फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल में आइए। फाइल में आने के बाद यहाँ पे प्रेफरेंसेस में, यहाँ पे ड्राफ्टिंग के प्रेफरेंसेस पहले चेक कर लीजिए। यहाँ पे हमने अगली वीडियो में पहले सेट किए थे वही ड्राफ्टिंग प्रेफरेंसेस यहाँ पे सेट है, इसे ओके कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, फाइल में जाने के बाद न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद ए नोट की हमें शीट चाहिए मिलीमीटर्स में, सर इसके जो फॉर्मेट है मिलीमीटर में चाहिए। रेफरेंस यहाँ पे रिलेशनशिप, यहाँ पे स्टैंड अलोन पार्ट या रेफरेंस एग्जिस्टिंग पार्ट, यानी कि जो हमने पार्ट अभी ओपन किया है उसको हमें एग्जिस्ट करके ड्राफ्टिंग की ड्राइंग बनानी है। फिर इसके लोकेशन कहाँ पे और इसका नाम क्या है, तो यहाँ पे इसको मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है मेरा डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, फिर यहाँ पे क्रिएट बाय, तो यहाँ पे मैंने टर्टल ब्लॉक की सारी सेटिंग कर दी। यहाँ पे जो भी हम नाम डालना चाहे वो नाम डाल सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे कई सारे पार्ट ओपन है, तो हमें किसका रेफरेंस लेना है। यहाँ पे आम हमें चाहिए था, हमने यहाँ पे सिलेक्शन में आम सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आम के सारे पार्ट आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। देन आफ्टर यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि व्यू बाउंड्री मैन्युअली सेट करनी है या ऑटोमेटिक सेट करनी है, तो हमें ऑटोमेटिक सेट करनी है। यहाँ पे इसका जो हिडन लाइन से वो हमें कितनी चाहिए, यहाँ पे सिंपली हम नॉर्मली जो होती है वही हिडन लाइन यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने हिडन लाइन को भी सिलेक्शन में ले लिया। फिर यहाँ पे हमें कौन सा व्यू चाहिए, हमें वायर फ्रेम व्यू चाहिए, तो यहाँ पे सारे वायर फ्रेम में आ गए। यहाँ पे पूरी असेंबली अब हमें अच्छी नहीं दिखेगी, इसलिए मैं इसको शेडेड व्यू में ही लेता हूँ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे हमें जो अरेंजमेंट है सारी, यहाँ पे फुली ओपन चाहिए। जैसे हम फुली ओपन सिलेक्ट करते हैं, तब इसको किसी भी व्यू को हम अब उसकी जगह से हिलाएंगे तो उसकी इम्पैक्ट दूसरे व्यू पे नहीं आएगी। और यहाँ पे क्लोज रखेंगे तो यहाँ पे चारों व्यू अपने आप एक दूसरे से क्लोज रहेंगे। फिर नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो मेन जो बेस व्यू है वो कौन सा होगा, सपोज यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ राइट व्यू, तो यहाँ पे आप देखिए सारे व्यू की पोजीशन चेंज हो गई। मैं रखता हूँ फ्रंट व्यू, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सारे व्यू की पोजीशन चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ पे अब मैं सभी को हटा देता हूँ, वापस से बैक देता हूँ। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, जब भी हम कोई यहाँ पे व्यू सिलेक्ट करेंगे मॉडल व्यू, तो ये हमारा बेस व्यू के सिलेक्शन में आएगा। अब मैं यहाँ पे दूसरा व्यू ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बेस है, उसके हिसाब से यहाँ पे ऐड हुआ व्यू, इसके हिसाब से यहाँ पे ऐड हुआ। और यहाँ पे हमारा जो ट्राइमेट्रिक व्यू है वो ऐड हुआ, मुझे फ्रंट व्यू चाहिए। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे अब देखिए हमारा फ्रंट व्यू आ चुका है। फिर यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स है, यहाँ पे इग्नोर टाइटल ब्लॉक का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट था वो यहाँ पे इसकी बॉर्डर को कंसीडर करके हुआ, लेकिन हमें टाइटल ब्लॉक को कंसीडर करना हो सिंपली यहाँ पे हटा देता हूँ, तो ये यहाँ पे टाइटल ब्लॉक से ऊपर रहेगा। फिर यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा लोडिंग हुआ और हमारे जो सारे पार्ट थे उसका जो ड्राफ्टिंग था वो यहाँ पे प्लॉट होना शुरू हो चुका है।
ये पूरी असेंबली है इसलिए थोड़ा लोड हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए पूरे की पूरी असेंबली आ चुकी है अभी। तो यहाँ पे आप देखिए पूरी की पूरी हमारी असेंबली यहाँ पे आ चुकी है। सो गाइस फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपने हो तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए ताकि मेरे डिजाइन रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।